हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। हां तो भाइयों क्या है सब। तो आज हमारे को ब्रांड ब्लॉग का यार आज हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर जाना है। उसके लिए उससे पहले अतवाद लेके जाएंगे हम लोग, वहां पे स्टे होगा, उसके बाद जाएंगे हम लोग भी चाइना बॉर्डर, ठीक है। तो लेकिन अभी हम निकलने लगे थे तो वो अंकल ने बताया कि पेट्रोल नहीं मिल रहा अभी यहाँ से कहीं से। अब देखते हैं अभी जाके दो तीन पेट्रोल हैं पास, तो वहाँ से जाके चेक करते हैं, अगर वहाँ से पेट्रोल मिलता है अभी इंशाल्लाह चलते हैं। अभी निकलने लगे यहाँ से, मैं रूम लॉक करने लगा था। रूम लॉक हो गया। अच्छा तो यहाँ से चलते हैं। यहाँ फोटो सेशन हो रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यार हम लोग आए हुए थे चाइना बॉर्डर तकरीबन 4 घंटे का सफ़र करके, तो लेकिन एंड पे उन्होंने मतलब किया ना, बिल्कुल एंड से जो बॉर्डर है ना वहाँ से उन्होंने बंद किया हुआ, तो इसलिए पीछे भाई हैं। लेकिन पैसेज आया, पेट्रोल आया, सही है, टाइम भी आया। हमारा अहमदाबाद ले का प्लान था जेट स्की का, वो भी हमारा अभी डिले हो गया कल का। तो यहाँ पर आए तो इन्होंने आगे बॉर्डर लाइन लगा दिया कि आप आगे नहीं जा सकते, हमारी तो मिल के हमें नहीं जाने दे रहे यार। तो अब देखते हैं निकलते हैं, लेकिन ठंड बहुत है, माइनस में है, मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन लेकिन वो बंद किया हुआ ना इस वजह से सारा उन्होंने ख़राब कर दिया। तो ये मौसम वाओ ब्यूटीफुल।
यार अब हम लोग आए थे रेनबो ब्रिज, तो ये तुम जो अताबाद लेके बहुत पास है, तकरीबन 10-12 किलोमीटर पीछे है, तो अताबाद लेके हम लोग पास आए थे यहाँ पे। तो यार ये बहुत लास्ट के मतलब बने हुए ब्रिज है, रेनबो ब्रिज है। तो यार हम लोग चाइना बॉर्डर से होके वापस आ गए थे, तो उसके बाद हम खाना खाने आए, तो मैं खाने की वीडियो दिखाता हूँ। तो यार मैं ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ, तो यार मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।